हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। अब मुझे थोड़ा यहाँ बैठ के थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, बिकॉज मेरे गुरु जन यहाँ बैठे हैं, दे आर लाइक। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं, गंगा जी को गंगा जी का ही पानी देके पवित्र किया जाता है, सॉरी वर्शिप किया जाता है। तो इसी प्रकार इनसे जो सीखा है उन्हीं से हम थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, भगवान प्रकट हो गए। हम लोग अभी जेल में हैं भगवान के साथ में, और हमारे साथ में दो और लोग हैं, देवकी और वसुदेव जी। तो भगवान कैसे प्रकट हुए थे? चतुर्भुज रूप में पीताम्बर धारण किया था, मकर कुंडल थे, और बड़ा ही सुंदर दिव्य रूप था भगवान है हम लोग इस प्रेजेंट। तो वसुदेव जी ने पहले प्रार्थनाएं की, अभी देवकी जी प्रार्थनाएं कर ली। एक आचार्य बड़ा सुंदर रूप से बताते हैं इसको, कि मैंने एक श्लोक लिखा है, तो बड़ा सुंदर श्लोक है, डिस्क्राइब्स इट्स रियली अमेजिंग। बोलते हैं कि जानाति माता परमात्म जातम नूनम पितापि कुछ देवलोके। बोल रहे हैं माता अपने बच्चे को पूरे अच्छे से जानती है, पिता कुछ कुछ जानता है। श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय, श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। कि माता बच्चे को अच्छे से जानती है, माताओं को ज्यादा इसका अनुभव होगा, बच्चे के क्या चाहिए, अगर रो रहा है, वो लोगों को समझ नहीं आता क्यों रो रहा है, लेकिन माता समझ जाती है इसको अभी पेट दर्द कर रहा है, फिर भूख लगी है, क्या है, जो भी है। और माता जानती है कि इसको ऐसे वातावरण में थोड़ा ठंड लग जाती है, या फिर मदर नोज द चाइल्ड। तो बोल रहे हैं जानाति माता परमात्म जातम नूनम पिता भी क्वचि देव लोके। पिताजी जो है वो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, है ना, कभी कभी थोड़ा। ताभ्याम अन अंगीकृत कृष्ण जन्म, वो दोनों नहीं मान रहे कि कृष्ण हमसे जन्म लिए हैं, वो दोनों नहीं मान रहे, बोल रहे हैं कि कृष्ण हमसे जन्म लिया है। तो को वा पुमान साधि यतुम समर्थ, तो ऐसा कौन सा पुरुष है दूसरा बोलते हैं जो बोलेगा कि भगवान श्री कृष्ण एक नॉर्मल बच्चे की तरह जन्म लेके प्रकट हुए। समझ रहे हैं? यहाँ पे माता देवकी ने शुरू कैसे किया, क्या बोलती है कि मैं समझ गई, बोलती तुम वही रूप हो, मैं ये नहीं बोल रही मेरे बच्चे हो, क्या बोल रही है, आई अंडरस्टूड, बोल रही यू आर दैट वेरी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? जो वेदों में गुणगान होता है जिसका। और फिर वो अंत में बोलती है तुम साक्षात विष्णु जो कि प्रकृति से परे। तो कुछ लोग कृष्ण को नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति के जैसा समझते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया, फिर उन्होंने उनको कुछ ऐसे कोई अचानक सिद्धि प्राप्त हो गई, फिर वो इतने महान व्यक्ति बन गए। इट्स नॉट दैट, भगवान प्रकट होते ही कौन थे, भगवान थे। एक वैष्णव बता रहे थे कि पिताजी के वीर्य से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो कैसा पैदा होता है, हाड़ मास का। लेकिन भगवान पैदा हुए थे तो कैसे होते, मुकुट कुंडल कपड़े वपड़े, तो पिताजी के हाड़ मास थोड़ी ना है। और फिर वो बोल रहे थे कि देखो भूत पिशाच आदि भी जो लोग हैं इनमें भी एक शक्तियां होती हैं, वो किसी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और किसी के बाहर आ सकते हैं, आते कि नहीं। देखो भूत अंदर प्रवेश करता है, कुछ हो जाता है, कुछ जादू तो ना कर दे तो फिर बाहर आ जाता है। तो भाई तो भगवान है, साक्षात अनंत शक्तिधारी है, तो इनमें ये छोटी सी शक्ति क्यों नहीं हो सकती। सो इस प्रकार से साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, साक्षात कृष्ण। तो जैसे हमने कहा कि माता अच्छे से जानती हैं, तो वी विल अंडरस्टैंड कृष्णा
through the words and realizations of Devaki Mata. Devaki ke anubhuti, anubhav se, ya phir unke vachanon se hum log Bhagwan ko samajhne ki koshish karte hain. Jitna bhi ho sake, isme to bahut sari cheeze hain. To sabse pehla jo word kya hai, rupam. Phir baad mein wo sare avyaktam, anadim, adi shuru chalu hai. Pehle roop bol rahi hai. You have a form. So, Bhagwan, यहाँ पे सबसे पहले जो रूपम यत तत् प्राहुर अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब क्या है? Which is does not manifest. यहाँ बोल रहे हैं अव्यक्त भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभूत न होने वाला. We cannot अव्यक्त वो लोग व्यक्त नहीं होता है जो जितना भी प्रयत्न करो कितना भी मेहनत करो वो व्यक्त नहीं होगा. Even if you want to understand Bhagwan ke baki swaroop ko bhi is prakar se hum log samajh sakte hain. Bhagwan ka jo archa vigrah hai, Bhagwan ka naam swaroop hai. Yun yahan pichle Prabhupad kya bolenge? Atah Shri Krishna naam adi bhaved grahya mitri. To Bhagwan ki indriyan ye sab kya, sorry, Bhagwan ka jo swaroop hai wo kya hai? Avyakt hai. Avyaktam. To wo kaise prakat hota hai? Vedic shrutiyan bada sundar roop se batati hain ye. Jo दशम स्कंद में 87 अध्याय में इसका चर्चा होती है. परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान वेद भी तो शब्द ही हैं, भगवान तो व्यक्त हैं, भगवान बियॉन्ड है तीनों गुणों से. वेद भी तो शब्द हैं और शब्द क्रिएशन है, क्रिएशन के अंदर ही शब्द आते हैं. जो भी वर्ड हम लोग मुंह से उच्चारित करेंगे वो सब क्या है? क्रिएटेड थिंग्स भगवान के द्वारा. तो उनसे भगवान को कैसे समझ सकते हैं हम लोग? मटेरियल वर्ड्स हैं, वर्ड्स क्या हैं मटेरियल? तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उनको बताते हैं और वहाँ पे तात्पर्य में बड़ा सुंदर रूप से एक्सप्लेनेशन है. वहाँ बताते हैं कि भगवान ने सारी चीज़ें क्रिएट की और वो चीज़ें भी क्रिएट किए जिनके माध्यम से हम लोग भौतिक तत्वों को समझ सकते हैं. किए कि नहीं? जैसे अभी मैं अंधा पैदा हुआ, समझो अंधा हूँ बहरा हूँ, तो मैं इवन भौतिक तत्वों को समझ नहीं सकता, रूप को नहीं देख सकता, नहीं शब्दों को सुन सकता, ना ही उनको रियलाइज कर सकता. लेकिन भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं और वो इनमें प्रकाश भी किया है. भगवान कहते हैं, गीता में बोलते हैं कि मैं उनको प्रकाशित करता हूँ इंद्रियों को, जिससे कि व्यक्ति इंद्र भोग की वस्तुओं को समझ सकता है. तो उसी प्रकार भगवान अपनी अद्भुत शक्ति के माध्यम से इन्हीं इंद्रियों में या फिर कुछ मन में भगवान की शक्ति के द्वारा हमें एम्पावर भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग भगवान के स्वरूप को या फिर भगवान के जो वैदिक शब्द हैं उनको समझ सकें. जिस प्रकार से भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं जिनसे हम लोग भौतिक तत्वों को समझ सकते हैं उनको क्रिया, उसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति से हमें एम्पावर कर सकते हैं. कैन कम्प्लीटली एम्पावर अस. तो शास्त्र कहते हैं वो भक्ति की शक्ति से एम्पावर करते हैं. भक्ति की शक्ति मतलब क्या है? ही एम्पावर्स अस विद चित पोटेंसी एंड लादिनी शक्ति. चित पोटेंसी नॉलेज पोटेंसी होती है जिससे कि हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, और अल्लाह देनी शक्ति जो आनंद देने वाली शक्ति. तो यह क्या हुआ है? अभी भगवान की कृपा से देवकी को भगवान ने अपना पूरा स्वरूप प्रकाशित किया. ही एम्पावर्ड हर. जिस प्रकार से ध्रुव महाराज भी भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपने क्या किया है, अपनी मेरी आपके स्पर्श के माध्यम से मेरी सारी इंद्रियां क्या हुई हैं, ऐसा जागृत हो गई, सुप्त अवस्था में थी वो, दे आर नाउ एनलाइवेंड. तो इसका बड़ा सुंदर रूप से और शिवजी चौथे स्कंद में बताते हैं कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान पावृत सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो ही अधोक्षजो में नमसा विधीयते. क्या बोल रहे हैं?
सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। अभी देवकी जो भगवान को देख रही है वो तीनों गुणों से परे के प्लेटफॉर्म पे देख रही है, वसुदेव प्लेटफॉर्म पे। यदि ये थे, क्यों? यदि ये थे तत्र पुमान अपावृत, उस प्लेटफॉर्म पे जो भगवान है, भगवान का स्वरूप है, वो अपावृत मतलब रिवील होता है, जैसे हैं भगवान वैसे रिवील होता है। सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव ही अधोक्षजो में नमः मसाविधीयते। तो शिवजी कह रहे हैं मैं इसलिए भगवान को वासुदेव कहा जाता है बोलते हैं, और ही अधोक्षजो, ये अधोक्षज जो अधोक्षज जो इंद्रियों को नीचे कर देता है, रूपात बोलते हैं, वो किक्स डाउन दी इंद्रियस, प्रयत्न करती है लेकिन जा ही नहीं पाती भगवान तक। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? वो वसुदेव प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे भगवान रिवील होते हैं, तो देवकी, तो वहाँ पे देवकी को भगवान कंप्लीटली प्रकट हो। तो यहाँ पे देवकी बोल रही है अव्यक्तम, लेकिन अव्यक्त हैं फिर भी क्या है, व्यक्त हो रहे हैं, ही इज रिवील टू हर। तो क्या अव्यक्त होने का कारण क्या है? बोल रही है आद्यम, क्योंकि आप आदि हैं। अरे इसमें आचार्यगण उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से किसी अग्नि को, अग्नि के अर्ची, अर्ची मतलब राशि, क्या कहते हैं उसे, किरण, हाँ, किरण से आप अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो वट एवर हैज मैनिफेस्टेड फ्रॉम कृष्णा, तो उनसे आप भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान इसका इसलिए बोल रहे हैं कि वाद्य है। फिर बोल रहे हैं ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब क्या है, बृहत, बृहत इति ब्रह्म, बहुत बड़े हैं, ही इज ग्रेट। तो इसके कई रूप से वर्णन होता है। चैतन्य चरितामृत में जो महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती और आदि सन्यासियों को जब उनका उद्धार किया, तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे, ये चैतन्य चरितमृत 25वें अध्याय में आते हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि जो शंकराचार्य ने दिया है वो कितना भ्रांति फैलाने वाला है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो वेदांत दर्शन है वो बड़ा सटीक है। तो उसमें वो बोलते हैं, एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सन्यासी हैं, वो बाकी सन्यासियों से चर्चा में बोल रहे हैं कि ब्रह्म शब्द कहे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म शब्द कहे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, तारे निर्विशेष स्थापी पूर्णता है यहाँ। ब्रह्म शब्द कहे, ब्रह्म शब्द क्या बोलता है कि वह षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, और तारे निर्विशेष स्थापी, जो व्यक्ति उसे निर्विशेष स्थापन करता है उसे क्या है, पूर्णता है यहाँ। चलो प्रभुपाद बोल रहे हैं, बट इफ यू टेक द वन साइडेड इम्पर्सनलिस्ट व्यू, सिर्फ निर्विशेष वाला रूप ले लें, उनका व्यू ले लें, तो क्या होता है, तो पूर्णता है हान, मतलब जो पूर्णता है भगवान में उसका हानि हो जाएगी, इट गेट्स डिमिनिश्ड, हिज फुलनेस इज डिमिनिश्ड बोल रहे, तो भगवान में पूर्णता नहीं रही। तो ब्रह्म शब्द का ये वहाँ पे वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो रिवील होता है, ब्रह्म शब्द क्या है। अब ब्रह्म अगर हम लोग इवन इस रूप में भी ले लें कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति है जो कि निर्विशेष है सब जगह है, तो उसके लिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर अपने एक भजन में बहुत सुंदर रूप से बोलते हैं, एक मिनट, सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप, सर्वानंद माधुर्य नीलोय, सबको आनंद देने वाला और माधुर्य का आस्वादन कराने वाला क्या है? कृष्ण का स्वरूप। सर्वत्र संपूर्ण रूप, हर जगह हर स्थान पे हर समय में भगवान का रूप संपूर्ण है, बोल रहे यही एक अपरूप, सर्वव्यापी ब्रह्म में तहा नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप जाकर ब्रह्म को कहोगे कि
सर्वव्यापी ब्रह्म ही सब कुछ है, लेकिन ये सारी चीजें उसमें नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं अतएव, ध्यान से सुनो, अतएव ब्रह्म तार अंग कांति सुविस्तार। ब्रह्म क्या है? हाँ, ब्रह्म तार, तार मतलब किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। ब्रह्म तार अंग कांति सुविस्तार, बृहद बोलिया तारे काय। और वो बहुत बृहद है, एक्सटेंसिव, अनलिमिटेड, बहुत बड़ा है वो, इसलिए उसका नाम ब्रह्म, बृहद। ब्रह्म पर ब्रह्म जयी श्री कृष्ण स्वरूप सही। जो ब्रह्म है या फिर परब्रह्म है जो लोग बोलते हैं, वो वास्तविकता में क्या है? श्री कृष्ण का ही स्वरूप है बोलते हैं। विनोदेर जहाते प्रणय, विनोद का मतलब भक्ति विनोद जी का जिसके प्रति प्रेम है, वो श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो ब्रह्म अगर हम लोग इस रूप में भी ले लें, ब्रह्म ज्योति या फिर ब्रह्म के रूप में, तो वो भी क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कांति है। अगर जिस प्रकार से वो सन्यासी बोल रहे हैं, तो ब्रह्म क्या है? साक्षात परब्रह्म, पूर्ण भगवान, षडैश्वर्य पूर्ण, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ण आ रहा, बोल रहे हैं कि ज्योति, ज्योति मतलब, हाँ ज्योति मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने अनुवाद में प्रकाश, प्रकाश। और या फिर ज्योति का मतलब है आचार्य के अनुवाद चेतन, इट्स वेरी कॉन्शियस, जो सब सब कुछ चेतनित करता है। तो जैसे एक्चुअली ये ज्योति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हर जगह भगवान को, जहाँ भी भगवान को दिव्य बोला जाता है, तो वहाँ पे समझना चाहिए भगवान का जो स्वरूप है क्या है, इट्स प्रकाशित है, इट्स, इट डजंट नीड, उसको किसी बाहरी वस्तु से प्रकाशित करने की जरूरत नहीं। भगवान का जो शरीर है वह स्वतः प्रकाशित है, वह स्वतः कांतिमय है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में चोरी करने जाते थे अपने लीलाओं में, तो गोपियां आके भगवान का बोलती थी कि ये तेरा जो पुत्र है, यशोदा को आके बोलती थी, ये बड़ा हमारे यहाँ पे चोरी करता है, और ऐसे ऐसे करके उसकी कंप्लेन कर रही थी। तो यशोदा बोलती हैं कि तो आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग इसे, अपना जो सामान है उसे अंधेरे में रखो कहीं छुपा के। तो बोलते हैं कि अंधेरे में तो रखे, बोलते हैं लेकिन इसके शरीर से ना ऐसी कांति निकलती है कि बोलते हैं वो अंधेरे में भी आराम से देख सकता है, या फिर उसके शरीर से कांति निकलती है, बिकॉज कांति जहाँ भी निकलती है, जहाँ भी ज्वेल्स होंगे तो वो और ज़्यादा प्रकाशित होती है। तो भगवान के शरीर में इतने सारे ज्वेल्स भी होते थे, तो ही इज टू गो एंड स्टील, बोलते थे, तो मुश्किल है बोलते थे हमारे लिए। तो ब्रह्म भगवान ज्योति है, और भगवान को प्रकाशित करने के लिए ना इस, देर इज नो नीड कि सूर्य या फिर हमारे स्वरूप जो है, हम लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते बिना इसके। अभी भगवान कहाँ प्रकट हुए हैं? जेल में। आपको जेल में क्या लगता है? लाइटें लगी होंगी, ज्वेल्स लगे होंगे, अंधकारमय होगा, है ना? तो भगवान वहां प्रकट हुए, शी कुड सी दैट, मिडल ऑफ नाइट। तो वहां और सारे सो रहे थे, सो रहे थे निश्चित रूप से, लाइटें वाइटें बंद कर, सारे थोड़ा भी दीप होगा बंद करके सो रहे। तो भगवान वहां पे प्रकट हो गए थे, वो पूरा प्रकाशित हो गया था, पूरा का पूरा रूम। इवन भगवान उसके पेट में थे देवकी के, वो बहुत प्रकाशित दिख रही थी, भगवान पेट में थे तभी। तो भगवान ज्योति स्वरूप। फिर निर्गुणम, निर्गुणम के बारे में भी बड़ा सुंदर रूप से उसी अध्याय में प्रकाशानंद सरस्वती बोलते हैं। अभी बाकी सन्यासियों ने बोला, अभी रिवील हो गया उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से, सब कुछ उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ज्ञानी तो थे ही, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु कृपा हो गई तो ज्ञान, वास्तविक रियलाइजेशन भी प्राप्त हो गया उनको, भक्ति ही मिल गई। तो क्या बोल रहे हैं? वेदांत मते ब्रह्म साकार निरूपण। क्या वेदांत मत के अनुसार क्या है? ब्रह्म साकार है, निरूपण। निर्गुण
ध्यान से सुने, निर्गुण व्यतिरेके तीनों हय तो सगुण. अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसॉफी द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज अ पर्सन. वेदांत फिलोसॉफी के अनुसार एब्सोल्यूट क्या है? एक व्यक्ति है. और निर्गुण व्यतिरेके तीनों हय तो सगुण. और जब भी वर्ड शब्द हो यूज होता है निर्गुण, इट इज अंडरस्टूड, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द लॉर्ड हैज एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मतलब गुण हैं, भगवान के पास ऐसे गुण हैं जो विच आर टोटली स्पिरिचुअल, जो कैसे हैं, कंप्लीटली पूरी तरह आध्यात्मिक है. जैसे हो सकता है हम भी बात करते हैं, हम भी लज्जित होते हैं, हम भी ग्रेटिट्यूड होता है, हमारे भी स्वरूप है, भगवान के भी हैं ये, लेकिन कैसे हैं, वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल हैं. ये गुण भगवान से ही आ रहे हैं, तो भगवान में भी सारे गुण हैं, लेकिन भगवान के जो गुण हैं कैसे हैं, स्पिरिचुअल गुण हैं, सारे गुण भगवान के स्पिरिचुअल. ठीक है, तो निर्गुण जहां भी वर्ड यूज होता है बोल रहे हैं, वो कैसे यूज हो रहा है कि भगवान के मटेरियल गुण नहीं है कोई. हाँ देखिए, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है जो भी साधक भक्त है, क्योंकि इस कारण से कभी कभी हम लोग भगवान का जो स्वरूप है या फिर भगवान का जो फॉर्म है, नाम है, उसको बड़ा प्राकृत मान लेते हैं, मटेरियल. भगवान का जो भी स्वरूप होता है वो स्पिरिचुअल होता है, भगवान के जो भी गुण हैं स्पिरिचुअल हैं. इसीलिए हम लोग उनका संपर्क में आते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं. ठीक है, तो निर्गुणम निर्विकार. और हम जानते हैं कि हमारे जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी नई इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारा जो मटेरियल स्वरूप है वो 6 फेजेस से गुजरता है. जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर बाय प्रोडक्ट्स बच्चे पैदा करता है, और फिर उसी प्रकार की योनि के जो अच्छे पैदा करता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है. तो वास्तविकता में ये सारे गुण भगवान, ये सारे जो विकार हैं भगवान में नहीं आते. भगवान निर्विकार है. और कुछ और विकार भी शास्त्रों में बोले गए हैं, जैसे कि एक मिनट, मोह है, लैमेंटेशन है, शोक मोह, और हंगर है, व्यक्ति को भूख लगती है, और थर्स्ट है. ये सारे विकार जो हैं वो कैसे हैं, डेथ है, इल्यूजन है. ये सारे क्या है, 6 लैमेंटेशन, इल्यूजन, इन्फर्मिटी मतलब शक्ति का ह्रास होना, डेथ मृत्यु, हंगर भूख लगना, और थर्स्ट प्यास लगना. ये सारे विकार आते हैं व्यक्ति के शरीर में, क्योंकि अभी हमने खाया है तो व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, थोड़ी देर में उसकी अपूर्णता प्रकट होती है, भूख लगती है उसे, लैमेंटेशन मोह में पड़ता है, ये सारी चीज़ें विकार आते हैं. लेकिन ये सारे विकार किन में नहीं है, भगवान में नहीं है. ठीक है, निर्विकार. सत्ता मात्रम, यहाँ श्रील प्रभुपाद सत्ता मात्रम के लिए लिख रहे हैं, आदि तत्व या फिर सबका कारण भगवान, ही इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग भगवान. गीता में ये एक्चुअली में तात्पर्य जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था ये 7वें अध्याय का ना कंप्लीट समरी है, गीता के 7वें अध्याय की. भगवान कहते हैं मैं आपको अपना पूरा ज्ञान दे रहा हूँ जिससे तुम मोह से मुक्त हो जाओ. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निर्विकार असत्ता मात्रम. सत्ता मात्रम मतलब भगवान इसेंस है. भगवान गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं कि वास्तविकता में सारे के सारे चीज़ें जो भी तुम देखते हो, जो भी तुम देख पाते हो, वो क्या है, भगवान कहते हैं एतद योनिनि भूतानि सर्वान्नि उपधारय. भगवान एतद योनिनि मतलब ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति है, इन दोनों के माध्यम से ही सारी के सारी चीज़ें प्रकट हुई हैं बोलते हैं. जो भी तुम देख सकते हो ये मेरी शक्तियाँ हैं. एतद योनिनि भूतानि सर्वान्नि उपधारय. फिर आगे जाके भगवान बोलते हैं कि
ये चाहिए बस सात्विका भावास तामसास राजसास। भगवान फिर बताते हैं कि कैसे मैं सबका एसेंस हूँ, जो भी चीज़ें दिख रही हैं उनको भी चलायमान करने के लिए मेरा अंदर प्रवेश करना जरूरी है बोलते हैं। तो मैं पानी में रस के माध्यम से हूँ, उसको धारण किया हूँ। नर में उद्योग करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो मैं हूँ, आदि आदि रूप में भगवान बताते हैं। और फिर अंत में भगवान बताते हैं कि ये चाहिए, ये सारे, और ये चाहिए सात्विका भावास तामसास राजसास, जो सतोगुण से, रजोगुण से या तमोगुण से जो भी चीज़ प्रकट हुई है जगत, वो सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, मुझे से। तो भगवान कहते हैं, और भगवान आगे प्रभुपाद यह भी बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति भी क्या है, भगवान की ही कांति है, तो भगवान से ही आया है। आध्यात्मिक जगत भी भगवान की शक्ति का स्वरूप, तो सत्ता मात्र भगवान सारी चीज़ों के उद्गम है, सारी चीज़ें भगवान पर ही आश्रित हैं। और फिर शिल प्रभु आगे बोल रहे हैं निर्विशेषम, निर्विशेषम मतलब यहाँ शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान, भगवान इज भगवान सबके रूप में, हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे नहीं, टाइम जा रहा है, यू डोंट हैव मच टाइम। फिर निर्यहम, फिर भगवान को ना कोई भी, यह मतलब जनरली बहुत वैदिक ग्रंथों में शिल प्रभुपाद यह मतलब ट्रांसलेशन में देते हैं मटेरियल वर्ल्ड, तो निर्यहम मतलब इस जगत की कोई भी इसको इच्छा नहीं, भगवान पूर्ण है, कृष्णा डजंट वॉन्ट एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निर्यहम इच्छा रहे, सह तुम साक्षात विष्णु हो अध्यात्म दीप हो, वह तुम हो बोल रहे हैं, वो कौन हो, साक्षात विष्णु हो बोल रहे हैं। विष्णु का बड़ा सुंदर रूप से विवेचना होती है, विष्णु मतलब कौन है, चराचरेषु भूतेषु वेशनात् विष्णु इच्छते, चराचर भगवान कहा है, भगवान को विष्णु क्यों कहते हैं कि वो विष धातु से आया है, विष मतलब प्रवेश करता है, प्रवेश करना, तो चर और अचर सारों में भगवान क्या है, प्रवेश कर चुके हैं। गरमनु आचार्य बोलते हैं कि भगवान ये सारी जो शक्तियाँ भगवान भगवान के शरीर के रूप में, भगवान शरीर शारीरिक शरीरी के रूप में सारी शक्तियों को मेंटेन करते हैं, जैसे आत्मा शरीर को मेंटेन करती है, इसी प्रकार भगवान हर एक चीज़ को उसके अंदर प्रवेश करके मेंटेन कर रहे हैं, बोलते हैं कृष्ण इज एवरीवेयर। और भगवान ये बड़ा सुंदर रूप से बताते हैं कि मैं क्या कहते हैं, सूत्र के रूप में हर जगह हूँ बोलते हैं, बट पीपल कांट सी मी। तो भगवान सब कुछ हैं, भगवान के रूप में, भगवान के शक्तियों से सारा जगत बना है, भगवान इस सूत्र के रूप में सारी चीज़ों को धारण किए मेंटेन कर रहे हैं, तो भगवान इज एवरीथिंग। तो फिर लास्ट में वो बोल रहे हैं अध्यात्म दीप, तो अध्यात्म दीप हमें पे थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि अध्यात्म दीप मतलब स्पिरिचुअल लैम्प। तो यही चीज़, तो लैम्प किस लिए यूज़ होता है, हाँ रोशनी देने के लिए या फिर अंधकार मिटाने के लिए। तो यही चीज़ देवकी माता कपिल देव से कहती हैं, बड़ा सुंदर रूप से बोलती हैं, तस्य तुम तमसो अंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर्जन्म नामन्ते लब्धम मे त्वदनुग्रहात्। क्या बोल रहे हैं, तस्य तुम तमसो अंधस्य दुष्पारस्य आद्य पारगम, कि जो अंध का तमोगुण है, घोर घोर तमोगुण है, ये एक्चुअली हमारी ही चर्चा वो बोल रही है ना, हमारे बारे में बोल रही है, मतलब हमारा जो घोर अंधकार में हम लोग हैं। तो टुडे बाय योर मर्सी तद्वद अनुग्रहात् सच्चक्षुर जन्मनामंत, बहुत सारे जन्मों के बाद सच्चक्षुर, सच्चक्षुर मतलब श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ट्रांसेंडेंटल आय, तो ट्रांसेंडेंटल आय, और आय होने के बावजूद भी हम लोग देख नहीं सकते अनलेस वी हैव दैट लैम्प या फिर लाइट, तो सच्चक्षुर। अब फिर बोल रहे हैं यह आद्य भगवान पुमसाम ईश्वर वही भगवान किल लोकस्य तमसांधस्य चक्षुर सूर्य उदित, सूर्य जब उदित होता है तो क्या होता है, हम लोग जो घट या फिर यूटेंसिल्स हैं ये सारी चीज़ें अपने आप प्रकाशित होती हैं, वहाँ पे हैं, हमें ज्ञान भी है कि हैं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, हमें पता है कि ऐसा ऐसे दिखने वाला टेबल होता है, हमें पता है कि इसे इसे बुक कहते हैं, लेकिन
अगर लाइट नहीं पड़ेगी, लाइट नहीं होगी तो हम लोग उसे पहचान नहीं सकते। इसी प्रकार हमें ज्ञान हो सकता है हर चीज का, लेकिन जब तक वो भगवान की कृपा नहीं होगी हम लोग चीजों को एज इट इज समझ नहीं सकते, रिवील नहीं होंगी चीजें इन त्रुत। तो और साथ ही साथ अंधकार मिट जाता, और व्यक्ति जब जैसे अंधकार अंधेर रूम में किसी कोई प्रवेश करता है तो उसके उसके पैरों में कुछ रस्सी वस्सी लग जाती है तो क्या लगता है उसको, नेचुरली लगता है, और व्यक्ति क्या होता है उससे डर जाता है, होता है कि नहीं। इसी प्रकार जब तक हम लोगों के ऊपर भगवान की अनुकंपा नहीं है तब तक हम लोग चीजों को गलत समझेंगे और क्या होगा, डरे रहेंगे, विल बी फियरफुल। तो जब भगवान की अनुकंपा होगी जैसे सच्चक्षुर के रूप में, अध्यात्म दीप के रूप में भगवान जब हृदय में प्रकट होंगे, रिवील करेंगे अपनी कृपा, तब क्या होगा, चीजें एज इट इज दिखेंगी। और जैसे लाइट जला देते हैं वो रस्सी देखते हैं तो सारा डर गायब हो जाता है, और क्या करेंगे, रस्सी को उठाए कहीं टांगती है ना। तो इसी प्रकार, और साथ ही साथ क्या है, बाकी चीजें जैसे लाइट वाइट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग, कहाँ से आ रही है, लेकिन भगवान जो है, इवन सूर्य डिपेंडेंट है, भगवान भगवान इज इंडिपेंडेंट, अध्यात्म दीप, भगवान कंप्लीटली स्वतंत्र है, भगवान किसी के भी पूर्ण ज्ञानमय है आदि चीज। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ अविद्या का नाश करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में बताते हैं, वहाँ पे चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को एक सूर्य के समान कंपेयर किया गया। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ उदय पुष्पवंतो चित्रोषंदो तमोनतो। क्या बोल रहे हैं कि वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, मैं वंदन करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को जो सूर्य और चंद्र की तरह आकाश में प्रकट हो गए हैं और गौड़ देश में प्रकट हुए। और कैसे, चित्रो मतलब वेरी वंडरफुल, छंदो छंदो मतलब आशीर्वाद देते हैं, और तमोनुदो तमोनुदो मतलब तमोगुण का नाश कर। श्रील प्रभुपाद वहां पे ना प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, हाँ भगवान कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद आज भी प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, मतलब आज भी चैतन्य और नित्यानंद प्रभु क्या है, इस कलयुग के आकाश में है। और क्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं आज भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृपा से क्या हो रहा है, लोगों का तमोगुण नाश हो रहा है। किस प्रकार का तमोगुण, फिर चलो प्रभुपाद बता रहे, एक्सेप्टिंग द बॉडी एज सेल्फ, अपने आप को अपने शरीर को सेल्फ मान। दूसरा क्या है, और भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति के जो साधन है उनको अपना स्टैंडर्ड बनाना खुशी का। और फिर बोल रहे हैं एंशियस होना, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, भौतिक शरीर की वजह से एंशियस होना, अपने पुत्रों की वजह से, अपने घर वालों की वजह से, जॉब की वजह से, आदि आदि चीजों की वजह से एंशियस रहना। फिर शोक करना, और फिर पांचवा है यह सोचना कि भगवान से कुछ अलग है, यह सबसे बड़ा अंधकार मेन। तो चैतन्य और नित्यानंद ये आकाश में प्रकट हुए हैं तो इनकी कृपा से क्या होगा, ये अंधकार मिट रहे हैं। तो कब मिटेगा वो, जब हम लोग उनका आश्रय लेंगे। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं वहां पे बताते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से अंधकार मिटा रहे हैं, दो चीजों से, एक भागवत शास्त्र, दूसरा है भक्त, यही भक्ति रस पात्र, दुई भागवतेर, दोनों भागवतों के माध्यम से वो अंधकार मिटा रहे हैं। ये है भागवत शास्त्र के माध्यम से, क्योंकि ये भी तो वासुदेव है, अध्यात्म दीप, ये भी तो अध्यात्म दीप है। भगवान वासुदेव वहाँ पे जेल में प्रकट हुए, हमारे सामने वांगमय स्वरूप में प्रकट हुए, तो ये अध्यात्म दीप है। और दूसरा भक्ति रस पात्र, भक्त भक्त के कृपा से, ठीक है। मेरा थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा थी, तो हम लोग कुछ कमेंट्स हो, कोई प्रश्न हो तो प्लीज़, हम लोग यहीं विराम। तो हम लोग इसी माध्यम से भगवान के जो जो भी स्वरूप हैं उनको देख सकते हैं, देवकी की कृपा से जो अर्च विग्रह हैं उनको इस रूप में देखना है, जो नाम है इस रूप में देखना।
जब और इच्छा वहाँ वेदों के इसमें बोला गया कि अब जब आप व्यक्ति जब इनको लेके भगवान पे मेडिटेट करते हैं शास्त्र में, तो भगवान कृपा करते हैं, बोले मुझ पे मेडिटेट कर रहे हैं, हालांकि मटेरियल इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं। भगवान ये सोचते हैं कि मेरी मुझ पे मेडिटेट कर रहे हैं, फिर भगवान कृपा करते हैं और रिवील करते हैं। तो हम लोग इन शास्त्रों को लेके फिर भगवान फिर ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। यथाय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भी समझ पाया।